Assalamu alaikum, and I welcome you all to this vlog where we are going to talk about the situation of flood in Leya. जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल पाकिस्तान में ट्रेंशियल रेन्स की वजह से जो दो महीनों से बारिशें हो रही हैं पहाड़ी इलाकों में, सवात में सैलाब आए हैं, और उसके बाद अब दरिया सिंध से होते हुए अब नशेबी इलाकों में, जनूबी पंजाब में, तौंसा के मकाम पे, लेया के मकाम पे, करोड़ से पिछली साइड पे ये लोग, यहाँ के लोग जो हैं वो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं। और इस टाइम लेया से 5.5 लाख क्यूसिक वाटर क्रॉस कर रहा है, और 2-3 दिन के बाद कहा जा रहा है कि ये पानी जो है 7.5 लाख क्यूसिक भी हो सकता है। फ़िलहाल आजकल जो लेया में हालात हैं वो आपको मैं वीडियोस अटैच करता हूँ, जिस दिन हम 27 अगस्त को हमने विज़िट किया और वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, और आज 29 अगस्त को हमने जब दोबारा विज़िट किया तो वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, वो आपको वीडियो से साफ जाहिर हो जाएगा कि यहाँ पे सैलाब की क्या सूरत हाल चल रही है। और लेया सिटी से जो दूसरी साइड पर रहते हैं, दरिया के दूसरे पार देही लोग, देहाती लोग, उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना हुआ है। ये हमारी पहली वीडियो जो आप देखेंगे उसमें आपको नज़र आएगा कि लोग किस तरह एक ब्रिज है जो सिटी को देहात से कनेक्ट करता है लेया के, और वो ब्रिज पूरी तरह पानी से भर चुका है और लोग वहाँ से अपनी नकल मकानी में मसरूफ़ हैं, अपने मवेशी लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि एक भैंस भी यहाँ पे मरी हुई है, और वो जो आपको कुछ स्टोन्स नज़र आ रहे हैं ना, मैं ज़ूम करता हूँ, ये है ब्रिज। यहाँ से लोग उस टाइम अपनी बाइक्स, रिक्शे वगैरह और अपना सामान लेकर वापस आ रहे थे, और ये इर्द गिर्द सबकी फसल है जहाँ पे भी सैलाब का पानी आया हुआ है। और आज जब 29 अगस्त को हमने वहाँ का विज़िट किया तो पता चला कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है। आर्मी वहाँ पे आ चुकी थी जो लोगों को उस साइड पे नहीं जाने दे रही थी उनकी सेफ्टी के लिए, और जो ब्रिज हमें पहले जूम करके नज़र आ रहा था वो भी नज़र आना बंद हो चुका था, पानी बहुत ज़्यादा हो चुका था यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे लेफ़्ट साइड पे है रिवर और राइट साइड पे है शहर, और जहाँ पे हम बाइक चला रहे हैं ये है बांध, जो कि डिज़ास्टर सर्कमस्टांसिस में सैलाब का पानी शहर में आने से रोकता है। लेकिन ये देख के बहुत अच्छा फील होता है कि लोग अपनी मदद, आपके तहत लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं। इसके अलावा आर्मी और गवर्नमेंट जो है वो लोगों की मदद में मसरूफ़ है, तो आई होप कि अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से बहुत जल्द छुटकारा दे। आमीन।